जय हिंद प्यारे दोस्तों। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 8.2 का 18वां नंबर क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन अगले वीडियो में दे चुके हैं। ओके, कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यह किसी एपी का चौथा और आठवां पदों का योग 24 है। किसी एपी का चौथा प्लस आठवां पदों का योग 24 है। यहां देखें तथा छठे पद, छठे और दसवें पदों का योग, छठे और दसवें पदों का योग 44 है। तो इस एपी का प्रथम तीन पद ज्ञात करें। कोई दिक्कत? इससे दो समीकरण तैयार होगा। कल हम बता चुके हैं सारा क्वेश्चन, इसके जिसको समझ में ना आए पिछले वाला वीडियो देख के समझिए। ओके, यहां देखिए ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। यहां तक किसी को दिक्कत? किसी को भी नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये तो ए होगा प्यारे बच्चों 3d प्लस ए प्लस 7d बराबर 24। ए 2a प्लस 10b बराबर 24। दो कॉमन ले लीजिए यहाँ, a प्लस 5d, 5d बराबर 24, तो a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण पहला। आइए यहाँ से a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू बराबर 44। तो a प्लस 6 में से एक गया 5d, a प्लस 9d बराबर 44। a 2a 9 5 14d बराबर 44। 2 कॉमन, a प्लस 7d बराबर 44। तो a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण दूसरा। अब यहां से करेंगे समीकरण ए दूसरा माइनस समीकरण पहला। तो ए प्लस 7d बराबर 22, ए प्लस 5d बराबर 12। माइनस में चिन्ह चेंज होता है, माइनस में चिन्ह चेंज होता है, माइनस में चिन्ह चेंज होता है। काटिए, ए से खत्म, साथ में 5 गया 2d बराबर 10। डी का मान कितना गया 5, डी का मान कितना गया 5। आगे बढ़ते हैं। जब डी का मान आ गया 5 तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण कितना a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 25, a बराबर माइनस 13। डी का मान यहाँ, ए का मान यहाँ, बोला गया इनके प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। प्रथम तीन पद ap है, तो पहला तय होगा माइनस 13, डी जोड़ेंगे यहाँ बचेगा माइनस आठ जोड़ेंगे जी, डी कितना है 5, जोड़ेंगे माइनस 8, फिर 5 जोड़ेंगे माइनस 3, डॉट इसी तरह से। हमको तीन पद बोला है, तीन पद निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 ईस्वी में 5000 रुपये के मासिक वेतन पद प्रकार आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन में वृद्धि प्राप्त हुई। तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हुआ। सुब्बा राव ने 5000 रुपया लेकर 1995 में एक कंपनी चलाया, यानी कि नौकरी किया, ठीक। और नौकरी किया तो उसमें से मालिक बोला होगा कि आपके मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, वर्ष 5000 रुपये के मासिक वेतन
का आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि। सुब्बाराव गया कहीं पे काम करता होगा तो 1995 में 5000 रुपया पर मंथ के दर से उसने एक नौकरी पकड़ी। नौकरी के बाद उसको मालिक बोला कि जानते हैं सुब्बाराव जी, 200 रुपया प्रति वर्ष आपको हम बढ़ाएंगे। कितना रुपया? 200 रुपया। 1995 में 5000 रुपया दे रहा था और 1996 आया तो 5200 रुपया देंगे हम आपको, 1997 आया तो 5400 देंगे। तो बोला ठीक है भैया हम करते हैं। तो सुब्बाराव ने हमसे पूछा कि सर आप मास्टर है तो बताइए किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया होगा, मैंने 1995 में हम नौकरी किए तो कौन सा वर्ष मेरा वेतन 7000 रुपया हो जाएगा जबकि एक वर्ष में 200 रुपया वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए पहला वर्ष 1995 नौकरी किया पहला वेतन कितना मिला 5000, 1996 आएगा तो 5200 की वृद्धि हो रहा है, फिर होगा 5400, फिर डॉट 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 ये बोला कितने वर्ष में मेरा वेतन 7000 हो जाएगा। तो एपी में है कि नहीं? एपी में है। ठीक, तो अब देखिए ये जो समझना है, ए बराबर 5000, डी बराबर 5200 माइनस 5000 बराबर 200, एन बराबर नहीं पता, ए एन बराबर हमको इसको एन एन मारेगा कितना वर्ष एनमा पर तो 7000। अब बैठाएंगे कल बतेवे के बहुत सारा हिसाब, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 5000 प्लस एन का मान कितना पता नहीं 1, कितना बराबर कितना 7000 और डी का मान 200। देखते हैं करते हैं एन का मान लीजिए 5000 माइनस 5000 7000 माइनस 5000 200 एन माइनस 200 तो यहाँ जाएगा 2000, 7000 में गया 5000 तो माइनस में इधर आया तो प्लस में बराबर 200 एन इसको आज जोड़िएगा तो 2200 आएगा बराबर 200 एन बराबर 2200 बटे 200, 200 खत्म 11। तो 11वां वर्ष उसको वेतन में आएगा 7000 रुपया हो जाएगा 11वां वर्ष। इसी में पूछ क्या पूछा वही ना, हो जाएगा तो किस वर्ष में उसका किस वर्ष। अब देखिए 1995 में आप नौकरी किए 1995 में, तो अब 11 वर्ष जोड़ेंगे इसको 11 वर्ष ऐड करेंगे 6002, 2006 में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। किसी भी वालों का दिक्कत